वीडियो में बात करेंगे जॉब रहने वाली है यहाँ पे गाइस कंपनी नेम इज कैंट गाइस। यहाँ पे जॉब रहने वाली इस कंपनी में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से गाइस मैंने जॉब निकाली है और आप इस पेज को देख सकते हो यहाँ पे जो रहने वाला है। और यहाँ पे आपको जॉब दिखाता हूँ इस कंपनी की कैसे निकालनी है गाइस। यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा करियर्स का, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है करियर्स का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन अस का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा गाइस, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस नीचे आओगे तो यहाँ पे इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे इस कंट्री यहाँ पे इंडिया, और सबमिट कर देंगे तो इंडिया की जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ पे इंडिया की जॉब्स आ चुकी हैं गाइस। पहली जॉब रहने वाली है ग्रेजुएट ट्रेनिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल ऑफशोर, लोकेशन मुंबई में रहने वाली है। उसके बारे में अगर जानना है तो लर्न मोर पे क्लिक करना गाइस, सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कैंट रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल स्ट्रक्चरल, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं सारा कुछ। क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो भी दिखा देता हूँ गाइस यहाँ पे नीचे। उससे पहले साइड में आपको देखिए लोकेशन कैटेगरी टेक्निकल है और डेट गाइस कल आई है जो अभी है, स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा ओपन है क्या फील्ड है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन सी जॉब ओपन है और कौन सी जॉब फील्ड है। नीचे आपको दिखा दूँ इसमें बारे में आप पढ़ लेना, ये क्वालिफिकेशन को दिखा दूँ। क्वालिफिकेशन गाइस BBTech इन सिविल स्ट्रक्चरल ओशन मरीन इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे एलिजिबल है। जो जितने भी आपके दोस्त इन फील्ड से रिलेटेड है उनको आप शेयर कर देना वीडियो। CGPA गाइस 8+ या 8 होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में फ्रेशर अप्लाई करते हैं 2022 पास आउट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अप्लाई का ऑप्शन ये लेने वाला है, इस पर क्लिक कर अप्लाई करते हुए नेक्स्ट को जॉब दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आगे प्रिंसिपल स्ट्रक्चर इंजीनियर इंडिया में लोकेशन रखी है, बस इंडिया लिखा है और यहाँ पे मुंबई भी लिखा है गाइस, मुंबई में रहने वाले ही। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये भी स्टेटस ओपन ही है, कल ही आई है, ये भी टेक्निकल है और इंडिया में लोकेशन है क्योंकि मुंबई में रहने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशन हम देखेंगे तो नीचे आएंगे यहाँ पे देखते हुए एन इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए गाइस आपके पास। यहाँ जैसे एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑनर्स और इक्विवेलेंट इन सिविल सिविल मैकेनिकल स्ट्रक्चरल नेवल आर्किटेक्ट और सिमिलर, ये गाइस एलिजिबल है। यहाँ पे मैकेनिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं, स्ट्रक्चरल वाले भी हैं, नेवल आर्किटेक्ट और सिमिलर फील्ड, तो ये गाइस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। बाकी आप पढ़ लेना यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं। इसके बाद गाइस नीचे आएंगे टेलीकॉम सीनियर इंजीनियर है, तो ये भी आप चेक कर लेना। टेक्निकल राइटर की है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम देखेंगे पोटेंशियल लिखा गया स्टेटस में, तो ये आप देख लेना ओपन है अभी तक। मिनिमम 8 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा है, तो इसे आप देख लेना। कोई टेक्निकल राइटिंग जॉब करना चाहता है तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फील्ड्स। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ट्रेनी डिजाइनर की रहने वाली है, ट्रेनी डिजाइनर सिविल एंड स्ट्रक्चरल, तो इसे ओपन कर देख लेते हैं, ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा इन सिविल, तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहने वाले सिविल जिन्होंने की हुई है। फ्रेशर आर अनक्रेजेड टू अप्लाई बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिप्लोमा आफ्टर 2019, जिन्होंने 2019 या 2019 के बाद अपना डिप्लोमा किया है जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर पाएंगे और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई ये है, स्टेटस ओपन है अभी तक। नीचे गए और जॉब्स भी हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रोटरी एंड पैकेजेस इंजीनियर सीनियर रोटेटिंग इंजीनियर पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीनियर ऑफशोर, ये गए सारी ओपन ही है जॉब। इनमें से कुछ गए फील्ड भी हो चुकी हैं, प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर इंजीनियर सिविल एंड ऑफशोर सीनियर इंजीनियर इन सिविल एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे नीचे गए बहुत सारे जॉब्स हैं। तो यहाँ पे देखते हो इंजीनियर सिविल एंड स्ट्रक्चर पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर पाइप इंजीनियर मटेरियल ऑफशोर, तो यहाँ पे देखते हो प्रिंसिपल इंजीनियर प्रोसेस इंजीनियर प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रहने वाले हैं। तो ये गाइस इतनी ही जॉब्स हैं, इनमें से कुछ फील्ड जॉब भी हैं, कुछ ओपन भी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लेना। दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतनी, और वीडियो को सब्सक्राइब करना।